नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो वीडियो का विश्लेषण करने जा रहा हूं, जो कंटेंट है वह है कि जो घर का मुखिया है उसको आर्थिक तंगी क्यों रहती है, कामयाबी क्यों नहीं मिलता है, शोहरत क्यों नहीं मिलता है। इसके पीछे एक सीधा सा वास्तु में कारण है, उसके स्थिरता को लेकर के, स्टेबिलिटी को लेकर के। स्टेबिलिटी का जो क्षेत्र है, जो तत्व है, अगर वो डिस्टर्ब हो जाता है तो ये चीज़ आपको नहीं मिल पाता है। यह क्षेत्र कौन सा है? यह क्षेत्र है नैऋत्य कोण, 225 डिग्री का क्षेत्र, जो जिसका तत्व पृथ्वी तत्व है। अब पृथ्वी तत्व वास्तु शास्त्र में जो है स्थिरता का बताया गया है, स्टेबिलिटी का बताया गया है। अगर किसी प्रकार का आपके जीवन में उथल पुथल चल रहा है तो आप समझिए कि इस कोण में आपका दोष है। दोष क्या हो सकता है? अगर ये कोण आपका बढ़ा हुआ है या कोण कटा हुआ है तो दोष हो जाता है। यहाँ पर टी पॉइंट है तो दोष उत्पन्न हो जाता है, यहाँ पर बोरिंग है तो दोष उत्पन्न हो जाता है, यहाँ पर सेप्टिक टैंक है तो दोष उत्पन्न हो जाता है, अगर यहाँ पर टॉयलेट है तो भी दोष उत्पन्न हो जाता है। ये सब चीज़ के लिए बचने के लिए आपको सावधानी जो रखना है, उस चीज़ को उपचार जो है उस चीज़ को समझें। कभी भी कोई प्लॉट लेते हैं तो आपको 90 डिग्री का प्लॉट लेना है, अर्थात आयताकार पूरा पूरा हो या वर्गाकार पूरा पूरा हो, अर्थात जिसका चारों कोण समकोण स्थिति में हो, वही प्लॉट आपको लेना चाहिए। कभी भी नैऋत्य कोण में कोई ऐसा प्लॉट आप नहीं खरीदें या मकान नहीं खरीदें जहां पर कि ये सारे दोष उत्पन्न होते हैं। अगर ये दोष उत्पन्न हो गए हैं तो आप क्या करेंगे? यहाँ आप कमेंट बॉक्स में आकर के जिस व्यक्ति को जो दोष है अगर आप देते हैं तो उसका उपचार हम सीधा उनको पहुंचा देंगे, और जीवन में उनको जो ये सारी समस्याएं हो रही है वह नहीं होगा। अब देखते हैं कि यह प्रभाव कैसे डालता है। आप जानते हैं कि वास्तु शास्त्र में पांच तत्व है और पांचों तत्व अपने जीवन में प्रभाव डालता है। पांच तत्व का प्रभाव सबसे ज़्यादा जो प्रभाव होता है पृथ्वी तत्व का होता है। पृथ्वी तत्व स्थिरता देता है, स्टेबिलिटी देता है। अगर यही तत्व डिस्टर्ब है तो बहुत सारे जिंदगी में परेशानियां आने लगती है। कुछ कलर के द्वारा भी यह डिस्टर्बेंस उत्पन्न होता है। अगर यहाँ जो इनके एंटी तत्व है, वायु तत्व है, अगर यहाँ पर आप वायु तत्व को ले आते हैं तो दिक्कत जाता है। जैसे यहाँ का कलर आप हरा कर लेते हैं तो दिक्कत जाएगा, यहाँ का कलर स्काई ब्लैक इत्यादि कर लेते हैं तो दिक्कत जाएगा, यहाँ का कलर आप रेड कलर कर लेते हैं या अग्नि तत्व अर्थात किचन इत्यादि यहाँ लेकर के आ जाते हैं तो दिक्कत जाता है। तो ये सारे चीज़ ना करें, सावधानी रखें और जीवन में लाभ लें, क्योंकि अगर आपको जीवन में आर्थिक तंगी से छुटकारा चाहिए, रिलेशन मजबूत चाहिए, आपको जीवन में तरक्की चाहिए, आपको धन संचय चाहिए, तो ये कोण पर आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। अगर आपने जीवन में यह कोण को इग्नोर कर दिए तो घातक परिणाम का सामना आपको करना पड़ सकता है, इसे कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए आप वास्तु शास्त्र में पांचों तत्व को बैलेंस करके अपने जीवन को खुशहाल बनाएं, आनंद बनाएं और जीवन में तरक्की करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। नमस्कार।